गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पर है। ये इसका पहला पार्ट है। मेरा नाम है मुकेश कुमार यादव और ये जो लेक्चर है इसके टारगेट ऑडियंस हैं वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ईयर में भी नॉन इंजीनियरिंग सेक्शन में टेक्सटाइल आईडी सीडीएम के स्टूडेंट्स के लिए ये जो लेक्चर है वो डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले हम लोग कंटेंट्स के ऊपर एक बार देख लेते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो इंट्रोडक्शन है। सेकंड पॉइंट हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड है। नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो जनरल पर्पस होती है, प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है। इसका जो बेसिक पर्पस है वो डेटा को एक्सेप्ट करना, स्टोर करना, रिट्राइव करना और डेटा को प्रोसेस करना है। हम इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। यहां पर जो जनरल पर्पस डिवाइसेस हैं उनमें और स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस डिवाइसेस में अंतर समझाना भी इम्पॉर्टेंट है। जो जनरल पर्पस डिवाइसेस होते हैं इन्हें हम मल्टीपर्पस डिवाइसेस भी कह सकते हैं। ऐसे डिवाइसेस जिन्हें हम अलग अलग टाइप के वर्क्स के लिए हम कस्टमाइज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं उसी डिवाइस को। जैसे कि कंप्यूटर को हम चाहें तो प्रिंटिंग के लिए, चाहें तो हम डिजाइनिंग के लिए, चाहें तो हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जैसे वीडियो देखने के लिए, चाहे तो हम सोशल नेटवर्किंग के लिए, ऐसे जो भी जितने भी टास्क हैं हम उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर एक जनरल पर्पस डिवाइसेस है। दूसरी कैटेगरी और भी होती है डिवाइसेस की जिसको हम स्पेसिफिक पर्पस डिवाइसेस कहते हैं। ये डिवाइसेस जो होते हैं वो केवल और केवल एक सिंगल पर्पस के लिए डिजाइन किए गए। ये डिवाइसेस केवल उस सिंगल पर्पस को ही सर्व करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर। कैलकुलेटर केवल कैलकुलेशंस तो कर सकता है पर आप उससे कोई बियॉन्ड द डिजाइंड गोल्स के अलावा कोई काम करवाना चाहते हैं तो कभी भी वो काम नहीं करेगा। कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूट वर्ड से निकला है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशंस। इनिशियली कंप्यूटर्स को जब डिजाइन किया गया था तो इनका बेसिक पर्पज यही था कि साइंटिफिक जो कैलकुलेशंस हैं उनमें हेल्प करें और जो डेटा प्रोसेसिंग का काम था जो साइंस में या साइंटिस्ट के लिए यूजफुल हो सकता है उसी के लिए डिजाइन किए गए थे। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि डेटा प्रोसेसिंग होती क्या है। तो डेटा क्या होता है, तो डेटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स होते हैं। ये किसी के बारे में भी कोई जो सिंपल फैक्ट्स हैं उसके एट्रीब्यूट्स को जो हम नोट करते हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उनके कुछ वैल्यूज होती हैं। वो वैल्यूज या तो अर्थमेटिक हो सकती हैं, लॉजिकल हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, इमेज हो सकती है, ऐसे कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है। कोई स्पेसिफिक फिक्स कैटेगरी नहीं है कि केवल अर्थमेटिक होगा या लॉजिकल ही होगा वही डेटा कहलाएगा। सभी टाइप के रॉ फैक्ट्स को हम डेटा कहते हैं। डिवाइसेस जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक प्रोग्रामेबल डिवाइसेस और दूसरे नॉन प्रोग्रामेबल डिवाइसेस या नॉन प्रोग्राम्ड डिवाइसेस। प्रोग्रामेबल डिवाइसेस को सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोग्रामेबल डिवाइसेस क्या होते हैं। तो प्रोग्रामेबल डिवाइसेस जो होते हैं वो स्टोर एंड एग्जीक्यूट प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इसमें हम कंप्यूटर्स में या डिवाइसेस में एक प्रोग्राम लोड करते हैं, वो लोड होने के बाद में जो डिवाइस होता है वो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। जब भी हम कोई नया टास्क या नई वैरायटी या नया गोल के साथ में कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हम उस डिवाइस को जो ओल्ड डिवाइस है उसी में ही हम नया प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं या नए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अपलोड किया जा सकता है। तो ऐसे प्रोग्रामेबल डिवाइसेस के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को भी चेंज किया जा सकता है। प्रोग्रामेबल डिवाइसेस में यूजर्स जो हैं वो अगर रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं तो उस केस में यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो डिवाइस है उसको कस्टमाइज कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई कर सकता है और नए टास्क के लिए ओल्ड कंप्यूटर्स को या ओल्ड डिवाइसेस को यूज कर सकता है। तो ऐसे डिवाइसेस को हम प्रोग्रामेबल डिवाइसेस कहते हैं।
अब दूसरी कैटेगरी जो है वो है नॉन प्रोग्रामेबल डिवाइसेस। इसमें फिक्स और प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जैसे कैलकुलेटर, तो इनमें कोई चेंजेस संभव नहीं होते हैं। इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स को हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए कि एक बार कैलकुलेटर परचेज कर लिया, सिंपल कैलकुलेटर परचेज कर लिया, बाद में उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है कि मुझे साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी करनी है, लॉग भी निकालना है और साइन और कॉस के वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है, यानी साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी है, तो जो ओल्ड कैलकुलेटर है वो किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, और वो केवल और केवल जो ओल्ड डिजाइन फंक्शंस हैं केवल उन्हें ही सर्व कर सकता है। हमें नया कैलकुलेटर ही खरीदना पड़ेगा अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर या कैलकुलेशंस हमें करनी है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जो सिंपली कंप्यूटर होता क्या है और कैसे काम करता है। तो सिंपली कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है और गिवन डेटा को गिवन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है और रिजल्ट्स को यूजर के सामने डिस्प्ले करवाता है। अब हम बात करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की, जो कि मेन मेन कंपोनेंट्स को भी शो करता है। तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर इनपुट यूनिट्स आती हैं जो कि कंप्यूटर को इनपुट सप्लाई करने के लिए काम आती हैं। ये इनपुट डेटा भी होता है और इंस्ट्रक्शंस यानी प्रोग्राम भी होते हैं। सेकेंड पार्ट है सीपीयू। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। इसके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करती है। दूसरी है कंट्रोल यूनिट और थर्ड पार्ट है मेमोरी यूनिट। जो लास्ट पार्ट होता है वो आउटपुट यूनिट होती है कि जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो यूजर्स को डिस्प्ले करवाने के लिए, जैसे कि मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइसेज में आते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सीपीयू है उसको कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जितने भी लॉजिकल टास्क होते हैं वो सारे के सारे लॉजिकल और अर्थमेटिक टास्क होते हैं वो सारे के सारे यहीं पर ही परफॉर्म होते हैं। एएलयू अर्थमेटिक यानी जैसे प्लस माइनस डिवीजन और लॉजिकल ऑपरेशंस, जैसे दो डेटास को कंपेयर करना और बिट वाइज ऑपरेशंस करना, ये सारे के सारे काम एएलयू करती है। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने को का काम करती है, उनको कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस और सिग्नल्स प्रोवाइड करवाती है। इवन जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं जैसे कंप्यूटर्स हुआ या स्टोरेज डिवाइसेस हुए, पेनड्राइव्स हुई, उनको भी कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। लास्ट पार्ट जो है वो है मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंट्रोल यूनिट और एएलयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। डेटा जो ट्रांसमिशन है वो डायरेक्टली होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू कनेक्टेड होती है, तो सेकेंडरी मेमोरी को एएलयू और कंट्रोल यूनिट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर कहां कहां उपयोग में आता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, कंप्यूटर का जो डिजाइन गोल है वो डेटा प्रोसेसिंग है, वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है। सेकंड जो यूज आ रहा है वो एजुकेशन में, जैसे कि आप कंटेंट शेयर कर सकते हो, प्रेजेंटेशंस के माध्यम से यूजर्स को समझा सकते हो, और ई बुक्स और डिफरेंट डिफरेंट मीडिया से आप एजुकेशन के भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट बैंकिंग है, बैंकिंग में भी सारा का सारा काम आजकल ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर्स के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स भी कंप्यूटर्स के बहुत बड़े क्लाइंट हैं। इवन आजकल रोबोटिक ऑपरेशन थिएटर्स आ गए हैं जो कि ह्यूमन बीइंग्स के कंपैरिजन में यानी डॉक्टर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेसी से सर्जरीज करते हैं, तो आजकल लोग रोबोटिक सर्जरीज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं, फिल्म इंडस्ट्री में यूज होता है, एनिमेशन जो बनते हैं वो भी कंप्यूटर की सहायता से ही बन रहे हैं। इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ काम आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री में सारा का सारा काम आजकल ऑटोमेशन से होता है। आप एक बार डिज़ाइन सबमिट कर देते हैं
तो सारा का सारा जो टास्क है डिजाइन के अकॉर्डिंग जो मशीन्स हैं या रोबोटिक मशीन्स हैं वो परफॉर्म करती हैं। बिजनेस में भी, नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस, तो बिजनेस में भी जो कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। ई कॉमर्स के माध्यम से आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हो, वेबसाइट्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, कंटेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हो, अकाउंटिंग की जा सकती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जा सकती है, जो कि सारे के सारे टास्क ही बिजनेस प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग है उसमें हम सिमुलेशन के माध्यम से वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो यूजर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे हमें किसी को कार ड्राइव करना सिखाना है तो आजकल वर्चुअल सिम्युलेटर्स आते हैं जो कार कंपनियों के शोरूम के अंदर या ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर मिलते हैं, जिसमें यूजर को पहले स्टेप में सिम्युलेटर के ऊपर ही ट्रेनिंग करनी होती है। जब वो एक बार सिम्युलेटर पे प्रैक्टिस कर लेता है तो एक्चुअल कार पे या व्हीकल के ऊपर उसको हैंड्स ऑन मिलता है। नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में भी आजकल जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि दूरियां बहुत हैं, लोगों के पास काम बहुत हैं, तो लोग आपस में जुड़े रहने के लिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स के रूप में जैसे कि फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ या और भी बहुत सारे जो सोशल मीडिया जो एप्लीकेशंस हैं उनके माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। नेक्स्ट जो एप्लीकेशंस हैं, रिसर्च है, वेदर फोरकास्टिंग है, न्यूक्लियर साइंस है, और यानी आज कंप्यूटर देखा जाए तो लगभग लगभग हर फील्ड में कंप्यूटराइजेशन जो है वो हो चुका है और कोई भी फील्ड ऐसा नहीं बचा, शायद ही कोई ऐसा फील्ड हो जिसमें कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ हो। आज का लेक्चर इतना ही, सॉरी करैक्टरिस्टिक्स बच गई हमारी। तो करैक्टरिस्टिक्स में जो कंप्यूटर्स हैं उसका बिहेवियर के अकॉर्डिंग और उसकी जो है वो करैक्टरिस्टिक्स हैं। पहला करैक्टरिस्टिक है स्पीड। तो कंप्यूटर बहुत ही हाई स्पीड पे वर्क करता है, ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक ही सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी भी बहुत हाई होती है, जो कैलकुलेशंस में एरर या डिफेक्ट्स हैं उनके चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं या नहीं होते हैं जब तक कि आपका प्रोग्राम ही फॉल्टी नहीं हो। थर्ड है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ टास्क कितने वो परफॉर्म कर सकता है, तो कंप्यूटर बहुत सारी वैरायटी के टास्क परफॉर्म कर सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है इसको अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए। डिलीजेंस, ये एक ऐसा पैरामीटर है या करैक्टरिस्टिक्स है जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर 24/7 मैनर में वर्क कर सकता है। ह्यूमन बीइंग 8 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट नॉर्मली नहीं कर पाता, पर कंप्यूटर जो है वो कभी भी थकता नहीं है और वो 24/7 या 24/7/365 डेज के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स है स्टोरेज। कंप्यूटर के पास में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के अकॉर्डिंग स्टोरेज स्पेस काफ़ी होता है। आजकल टेराबाइट्स में हार्ड डिस्क आती हैं, तो आसानी से 2 टेराबाइट तक की टेराबाइट्स की ये जो है मेमोरी है वो अवेलेबल है और डेटा स्टोर किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है डेटा की। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि हम अगर एक ही काम को बार बार करें, यानी पेपर पेंसिल से भी हम कैलकुलेशन करना बैठे, तो एक कैलकुलेशन को अगर 50 बार एक ही आदमी करेगा तो 50 में से कम एक या दो बार तो ऐसा हो जाएगा कि उससे वो कैलकुलेशन गलत हो जाए कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन की ही। पर कंप्यूटर की रिलायबिलिटी है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही कंसिस्टेंट है। अगर आपने कोई कैलकुलेशन की है तो वो एक बार करोगे तो भी वही रिजल्ट देगा, और अगर 50 बार करोगे तो भी वही रिजल्ट आएगा, जब तक कि आप ऑपरेशंस को या इंस्ट्रक्शन सेट को चेंज नहीं करते, तो रिजल्ट बिल्कुल परफेक्टली सेम रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। एरर की जो रेट है वो बहुत ही कम है और फेलियर रेट भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो आजकल नया करैक्टरिस्टिक्स के रूप में जाना जा रहा है, वो है कॉम्पैक्टनेस। धीरे धीरे जो कंप्यूटर्स हैं वो साइज में धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, पावरफुल होते जा रहे हैं, तो ये कॉम्पैक्टनेस में आता है। थैंक यू सो मच, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपके इस लेक्चर से संबंधित कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो प्लीज़ आप मेरे ईमेल आईडी पर आप अपने जो व्यूज़ हैं उनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।